फिफ्थ क्लास, गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम हिंदी में अपना पार्ट 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये एक कविता है बच्चे, और इसे लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। आपको याद होगा हिंदी की बुक का हमारा फर्स्ट चैप्टर था भारतवर्ष हमारा है, जो कि एक कविता ही थी, और उसके रचयिता भी कौन थे? सोहनलाल द्विवेदी। तो उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये दूसरा कविता जो है हमारी हिंदी की बुक में आई है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बेटे, इसे हम आज शुरू करेंगे। देखो बच्चे, नाम से ही पता चल रहा है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका क्या मतलब हो गया कि कवि जो हैं ये सोहनलाल द्विवेदी जी जो हैं, ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जीवन में कभी भी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। और जो लोग हमेशा कोशिश करते हैं अपने लक्ष्य को पाने की, वो कभी भी असफल नहीं होते। ठीक है, निरंतर प्रयास करने से हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आप कविता स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस चित्र को देखो आप। ठीक है, देखो आप कैसे एक नन्ही सी चींटी अपने ऊपर बोझ उठाए क्या कर रही है, इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। कोशिश कर रही है ना, ये चढ़ रही है, गिर रही है, फिर चढ़ रही है, फिर गिर रही है। निरंतर प्रयास करते करते एक समय आता है जब ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, इसी चित्र से इस पूरी की पूरी कविता का सारांश हमें पता चलता है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है बेटा, एक ना एक दिन जो है हम सफलता की सीढ़ियाँ हमेशा छू पाएंगे। ठीक है, अब कविता को शुरू करते हैं। देखो बच्चे, फर्स्ट लाइन है आपकी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या कह रहे हैं कवि कि अगर हम लहरों से डर जाएं, समुद्र में उठने वाली लहरों से अगर डरते रहें, तो जो नौका होती है हमारी, नौका क्या होती है, जो तुम्हारी ये बोट जिसे तुम बोलते हो, ठीक है, नौका, अगर हम इन लहरों से, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से अगर डरने लग गए, तो हम इस नौका को कभी भी इसके छोर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, और कोशिश करते करते हम इसके लक्ष्य को, इसके छोर को पहुंच जाएंगे। मतलब कोशिश करेंगे तो अपने किनारे पर जो है एक न एक समय पर पहुंच जाएंगे। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, इसके बाद नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। अब पीछे मैंने जो आपको चित्र दिखाया था उसमें वो नन्ही चींटी थी ना, जो दाना लेकर चल रही थी, चढ़ रही है दीवार पर, फिर गिर रही है, फिर चढ़ रही है, फिर गिर रही है, बार बार निरंतर प्रयास करती रहती है। ठीक है, फिसल कर भी हार नहीं मानती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, क्योंकि उसके मन में ये दृढ़ संकल्प है और ये दृढ़ विश्वास है कि वो एक ना एक समय पर अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। तो बार बार गिरना उसको अखरता नहीं है, अखरता मतलब उसको इतना फर्क नहीं पड़ता बार बार गिरने से, वो फिर गिरती है, फिर उठ जाती है, फिर गिरती है, फिर उठ जाती है। ठीक है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जितनी मेहनत वो करती है, गिरकर संभलती है, संभल कर गिरती है, फिर गिरकर संभलती है, तो इतनी मेहनत जो वो करती है वो एक समय पर बेकार नहीं होती, अपने लक्ष्य पर वो चींटी पहुंच जाती है। और इसी से हमें पता चलता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर देखिए, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। अब सिंधु क्या होता है? आपका सागर। ठीक है, और सागर में जो गोताखोर होते हैं वो क्या करते हैं? डुबकियां लगाते हैं। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, बार बार जाता है इस उम्मीद में कि उसको पानी के नीचे गहराई में मोती मिल जाए। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। इतने वो कवि कह रहा है कि कुछ भी हमें जो है आसानी से नहीं मिलता। ठीक है, हमें जो है
मेहनत करनी पड़ती है। और उसी लक्ष्य को पाने की चाहत में क्या होता है, हमारा उत्साह जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो बार बार खाली हाथ ही लौटेगा, ठीक है, गोता लगाएगा, नहीं एक बार नहीं मिला मोती, फिर उतरेगा समुद्र में, फिर निकलेगा, फिर उतरेगा, और इसी उत्साह में एक ना एक समय पर उसके हाथ में मोती लग जाते हैं। ठीक है, और इसी से हमें पता चलता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता, कवि कह रहे हैं कि असफलता एक चुनौती है बेटा, इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, अपने अंदर कमी देखनी चाहिए पहले कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई थी जो हमारा काम जो है नहीं बन पाया। ठीक है, कहने का मतलब है कि कवि कह रहा है कि हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। किसी भी काम को करते समय क्या होगा, पहली बार हम असफल होंगे, हो सकता है दूसरी बार भी असफल हों, लेकिन तीसरी बार हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जब तक ना सफल हों, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जब तक आपको आपकी सफलता ना मिल जाए, आपका लक्ष्य ना मिले, आपको अपना नींद, आपका चैन, आपकी जो अमन शांति है उसका त्याग कर देना चाहिए, और कभी भी मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए, यानी कि परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए। ठीक है, परिस्थितियों का डट कर सामना करना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक आप कोई कर्म नहीं करेंगे, कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, अपनी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको दुनिया नहीं पहचानेगी, आपकी जय जयकार नहीं होगी। ठीक है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो बच्चे, आप जैसे बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, जिनको पता है कि उन्हें नंबर अच्छे लाने हैं, अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, तो वो निरंतर मेहनत करते हैं और इसी वजह से उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, अपने टीचर्स की नज़र में भी वो अच्छे बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अच्छे बच्चों की बात हो रही है, हर इंसान की बात हो रही है बेटा यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब है कि असफलता अगर जीवन में आ भी जाती है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए। ठीक है, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है बच्चे। ठीक है, अगर हमें ज़िंदगी में असफलता मिले कभी भी, तो उसके लिए, उस असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जब सफलता आपको मिलेगी तो उस सफलता की खुशी ही कुछ अलग होती है बेटा। ठीक है, तो ये आपकी कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बेटा, अगर इस कविता में अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो जब भी आप स्कूल आएंगे हम इसे एक बार दोबारा से कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।